पहले यह बड़ी खबर, कांग्रेस के मिशन 2023 से जुड़ी। सुखजिंदर सिंह रंधावा पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सह प्रभारी अमृता धवन भी पीसीसी वॉर रूम में ही मौजूद है, वो भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी वो रणनीति बनाना नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि सरकार रिपीट ना होने पाए। सरकार रिपीट करना एक बड़ा मकसद कांग्रेस का, और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसीसी वॉर रूम से, जहां पर इस वक्त प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही सह प्रभारी अमृता धवन भी पहुंची हुई हैं। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है, पूरी तरीके से कांग्रेस जुट चुकी है मिशन 2023 के लिए। जी देखिए, जो सर्वे आए हैं उससे थोड़ी कांग्रेस जो है उम्मीद कर रही है कि वो सरकार रिपीट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी में जितनी फूट है उतनी कांग्रेस में भी है। लेकिन जिस तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उसे लेकर सरकार को कुछ हद से ज्यादा ही भरोसा नजर आ रहा है, और उनको लग रहा है कि माहौल पॉजिटिव है, जनता जो है वोट कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने कुछ ही दिन पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता कह रही है कि सरकार रिपीट हो सकती है, तो इस भावनाओं को सरकार रिपीट होगी तक लेकर के जाना है। इसलिए सुखजिंदर रंधावा महीने में 15 दिन यहाँ पर गुजार रहे हैं। जो सह प्रभारी हैं अमृता धवन हैं, काजी निजामुद्दीन हैं, वीरेंद्र राठौड़ हैं, ये अपने प्रभाव वाले जिलों में जमे हुए हैं। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक का कार्यक्रम चल रहा है, और एक तरह से उन नेताओं की तलाश की जा रही है जो चुनाव जीत सकते हैं। जो हार रहे हैं उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी ने होमवर्क कर लिया है कि ये चुनाव हार सकते हैं, इनके टिकट काटेंगे, लेकिन जीत कौन सकता है। उन चेहरों पर पार्टी दाव लगाने की तैयारी कर रही है। सितंबर में पहली लिस्ट के संकेत हैं कि कांग्रेस पार्टी सितंबर महीने में ही उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में चली गई पार्टी, और उसका जो होमवर्क है, उसका जो काम का तरीका है कार्यकर्ताओं के बीच में, वो कुछ इस तरह का है कि बीजेपी की तैयारी भी कहीं फीकी नजर आ रही है इस वक्त। इसलिए कांग्रेस के पार्टी के जो जुड़े हुए तमाम नेता हैं, जो चुनाव प्रचार का, चुनाव मैनेजमेंट का जो हिस्सा बन सकते हैं आने वाले दिनों में, वो सारे के सारे मैदान पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जिलों में एक्टिविटीज हो रही है, और रोजाना का फीडबैक लिया जा रहा। पहले ऐसा होता नहीं था कांग्रेस पार्टी में, तो बदले जमाने के साथ में एक नई कांग्रेस है, जो चुनाव समिति भी बहुत पहले बना देती है, जो और आने वाली जो कमेटियां उनकी का होमवर्क भी कर रही, जल्द उनका ऐलान भी होगा। दिमाग में एक ही चीज है कांग्रेस के नेताओं के, कि जो उस दाग को उन्हें धोना है जो उन्हें हर 5 साल में परेशान कर देता है, चुनाव हरा देता है। बिल्कुल, धोना है, और कर्नाटक में जीत के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस में ज्यादा उत्साह है, और कांग्रेस जीत सकती है से कांग्रेस जीतेगी तक पार्टी को ले जाना, और यही वजह है कि लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही फीडबैक लेकर पार्टी को ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस